जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो नारायण, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। भागवत का स्कंद पांचवा अध्याय बारहवा, मनुख शरीर की उत्पत्ति करनी राजा रघु राण से। राजा रघु राण ने जड़ वर्त को इतना ज्ञान सुनकर विनय किया, महाराज, मनुख योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता। जिस जन्म में तुम्हारे जैसा महापुरुष और ज्ञानियों का दर्शन होता है, मनुख का जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है। कदाचित देवते भी तप करें तो सिवाय मुक्ति के दूसरा पद उनको नहीं मिलता। जड़भरत ने कहा, हे राजन, जो बात मैंने तुझसे कही उसका अर्थ तुमने समझा नहीं है। राजा ने कहा, मैं संसारी जीव अति अज्ञानी हूँ, इसलिए इस ज्ञान अच्छी तरह समझाइए, और ना ही मैं इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझा हूँ। जड़भरत हंसकर बोले, हे राजन, ये बात बड़ी कठिन है। ये ज्ञान जग करने, तप करने, बरक्कत होने पर भी नहीं मिलता। ये सब कर्म करने से मनुख को इस बात का अहंकार होता है, जो मैं अच्छे अच्छे कर्म करता हूँ, अहंकार दे सब नष्ट हो जाते हैं। जब तक अभिमान छोड़कर संत महात्मा की शरण में नहीं जाता, तब तक ज्ञान उसको नहीं मिलता बिना कृपा परमेश्वर की। सोहे राजन, तुम समझते हो जो मैं बोल रहा हूं, मैं कौन हूं? मैं पिछले जन्म भरत नाम राजा था। मैं राज छोड़कर तप करने लगा। तुमको अभी तक राजगद्दी का अभिमान है, इसलिए तुम जीवों पर दया नहीं रखते। जिस तरह प्रकाश परमेश्वर का तुम्हारे तन में है, इसी तरह सब जीवों में है। तुम अपने शरीर वास्ते इनको दुख देते हो, ये बहुत अनुचित है। ये ज्ञान सुनकर राजा रघुराण कांपने लगा। महाराज, मैं ब्राह्मण दे श्राप ते बड़ा डरता हूँ। ऐसा ना हो जो आप मुझे श्राप देवो और मेरे पर क्रोध करो, यही बड़ा डर है। भागवत का स्कंद पांचवा अध्याय बारहवा समाप्तम। इति जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।